मारुति सुजुकी कमर्शियल सेगमेंट में काफी मॉडल्स ऑफर करती है। दो मॉडल्स सुपर कैरी और इको समान होने के लिए और पांच मॉडल्स पैसेंजर्स के लिए, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल्स में आपके पास ये चॉइसेस हैं। सबसे छोटी H1 जो कि ऑल्टो 800 पर बेस्ड है, और उसके बाद बड़ी वाली H3 जो वैगनआर पे बेस्ड है। सेडान में आपको मिलती है डिजायर बेस्ड टूर एस। अगर आपको ज्यादा सीट चाहिए तो आप V यानी कि इको देख सकते हैं, और साथ में आपके पास टूर M यानी कि अर्टिगा वाला वर्जन भी ऑन ऑप्शन है। पांच में से चार ऑप्शंस आपको CNG के अंदर भी उपलब्ध हैं। पहले बात करते हैं ऑल्टो बेस्ड टूर H1 की। ये आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही मिलती है और एक ही वर्जन है ऑन सेल। इसकी कीमत है 4,05,000 रुपए एक्स शोरूम डेली। इसमें आपको एक 800 सीसी का BS6 इंजन मिलता है जो कि आपको 22.05 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देता है। मारुति ने कम कीमत में सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है। आपको इस गाड़ी के अंदर दो एयरबैग्स और ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है। साथ ही में स्पीड लिमिटिंग फंक्शन, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और सेंट्रल लॉकिंग भी है। पेट्रोल H1 पहाड़ों की सड़कों पर और हिल स्टेशन के अंदर काफी पॉपुलर है, और आप इसको 3 डिफरेंट कलर्स के अंदर ले सकते हैं। गाड़ी के अंदर आपको डुअल टोन केबिन मिलता है, साथ ही में एयर कंडीशनिंग, हीटिंग और फ्रंट पावर विंडोज भी दिए गए हैं। ऑल्टो टूर H1 कमर्शियल सेगमेंट में सबसे अफोर्डेबल गाड़ी है इस टाइम पर। वैगनआर का टूर वर्जन यानी कि टूर H3 भारत की सबसे पॉपुलर टैक्सी है। दमदार, अफोर्डेबल और स्पेशियस, ये आपको दोनों पेट्रोल और CNG मॉडल्स के अंदर मिलती है। पेट्रोल वर्जन की कीमत है 5,44,00,000 रुपए, और CNG वेरिएंट के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 6,39,000 रुपए। ये कीमतें हैं एक्स शोरूम डेली की, जहां की पेट्रोल H3 आपको देगी 25.4 किलोमीटर प्रति लीटर की सर्टिफाइड माइलेज, CNG में सर्टिफिकेशन आती है 34.7 किलोमीटर प्रति किलोग्राम की। दोनों मॉडल्स में आपको मिलते हैं डुअल एयरबैग्स, ABS, रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट पावर विंडोज, AC विद हीटिंग और डुअल टोन इंटीरियर्स। H3 की एक और खूबी है इसके स्पेशियस इंटीरियर्स। एक टॉल बॉय डिजाइन की वजह से इस गाड़ी का हेडरूम बेहतरीन है। इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान है डिजायर, और ये आपको टूर वर्जन यानी कि कमर्शियल पैसेंजर वर्जन के अंदर भी मिलती है। पेट्रोल टूर एस आपको पड़ेगी 6,21,000 रुपए की, और CNG मॉडल के लिए आपको देने पड़ेंगे 7,16,000 रुपए। दोनों कीमतें हैं एक्स शोरूम डेली की। ये सेडान एक एफिशिएंट और रिलायबल 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन यूज करती है। CNG मोड में आपको मिलती है 26.55 की एवरेज, और पेट्रोल मोड में आपको देगी 19.95 की इकोनॉमी। टूर एस भी कमर्शियल सेगमेंट में काफी पॉपुलर है। ड्राइवर्स के बारे में बात करें तो Hyundai Accent Prime मार्केट में अवेलेबल है। टूर एस आपको फीचर्स देती है जैसे कि पावर स्टेयरिंग, फ्रंट पावर विंडोज, कीलेस एंट्री, AC विद हीटर, डुअल एयरबैग्स और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। गाड़ी के रीसेल वैल्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और डुअल टोन इंटीरियर्स आपके कस्टमर्स को एक अच्छी प्रीमियम फील जरूर देंगे। इको आपको दोनों कमर्शियल गुड्स और कमर्शियल पैसेंजर मॉडल्स में मिलती है। टूर वी में आपको चार मॉडल्स मिलते हैं, 5-सीटर स्टैंडर्ड, 5-सीटर AC और 5-सीटर AC CNG। उसके बाद एक 7-सीटर स्टैंडर्ड मॉडल भी है। इस रेंज की कीमत शुरू होती है 4,60,000 रुपए से, और टॉप मॉडल के लिए आपको देने पड़ेंगे 5,90,000 रुपए एक्स शोरूम डेली। इस गाड़ी में आपको मिलता है 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन, जो पेट्रोल मॉडल में आपको देता है 72 BHP की पावर, CNG मॉडल में आपको देगा 62 BHP की पावर। माइलेज के बारे में बात करें तो इको CNG की सर्टिफाइड इकोनॉमी है 20.9, पेट्रोल वर्जन में आपको देगी 16.6 की इकोनॉमी। ये गाड़ी भी हिल स्टेशन पर काफी पॉपुलर है। और फाइनली अर्टिगा बेस्ड टूर M। बड़े शहरों में, खास करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, टूर M बहुत ही डिमांड में रहती है। इसका पेट्रोल मॉडल आपको पड़ेगा 9,50,000 रुपए का, एंड CNG वर्जन के लिए आपको देने पड़ेंगे 10,47,000 रुपए। अगेन ये कीमतें हैं एक्स शोरूम डेली की। 1,500 सीसी का इंजन होने के बावजूद टूर M जानी जाती है अपने माइलेज के लिए। पेट्रोल मॉडल में 18 की माइलेज और CNG मॉडल में 26.08 की माइलेज। एक कमर्शियल गाड़ी में फीचर्स वैसे तो कम आते हैं, मगर मारुति ने इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे प्रीमियम वाले फीचर्स भी दिए हैं, जैसे कि सेकेंड रो के अंदर आर्मरेस्ट, सेकेंड रो का AC, रिमोट कीलेस एंट्री, आउटसाइड मिरर्स की इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, और यहाँ तक कि कूल्ड कप होल्डर्स भी हैं। सबकी एंटरटेनमेंट के लिए ऑडियो सिस्टम मिलता है विद ब्लूटूथ एंड स्टीयरिंग कंट्रोल्स। है ना ये इम्प्रेसिव। तो दोस्तों, ये थी मारुति सुजुकी कमर्शियल की पैसेंजर गाड़ियां।
91 ट्रक्स पर आपको सेम कंपनी का कैरी पिकअप का एक ड्राइव रिव्यू भी मिलेगा, उसको देखना ना भूलें।